1991 से 1996 तक भारत के पीएम रह चुके पीवी नरसिम्हा राव जी को हाल ही में 9 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई। कांग्रेस पार्टी से पीएम रह चुके नरसिम्हा राव जी का राम मंदिर में क्या योगदान है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जाने माने दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी आत्मकथा किताब बियॉन्ड द लॉयंस में लिखा है कि जब 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था, उस वक्त भारत के पीएम नरसिम्हा राव जी पूजा करने बैठ गए और घंटों तक पूजा करते रहे। साथ ही पूजा करने से बैठने से पहले उन्होंने यह हिदायत भी दी कि उनको बीच में डिस्टर्ब न किया जाए। जब पीवी नरसिम्हा राव जी को उनके एक सहयोगी ने कान में आकर कहा कि मस्जिद को गिरा दिया गया है, उसके बाद कुछ ही सेकंडों में पीवी नरसिम्हा राव जी पूजा पूरी करके खड़े हो गए। पीएम नरसिम्हा राव जी के इसी व्यवहार के कारण कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर जैसे कुछ लोग पीवी नरसिम्हा राव जी को बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री के रूप में संदर्भित करते थे। साथ ही नरसिम्हा राव जी के इस कार्यकाल के बाद कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव जी से अपनी दूरी बना ली। यहाँ तक कि 2004 में इनके निधन पर भी कांग्रेस द्वारा इन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव जी के भाई ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का आभार करते हुए बताया कि पीवी नरसिम्हा राव जी को यह सम्मान आज से करीब 20 वर्षों पहले भी दिया जा सकता था, जो कांग्रेस सरकार द्वारा नहीं दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव जैसे व्यक्तित्व के लिए एक लाइक तो बनता है, साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।